व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज हमारा टॉपिक है बोटो मांगा चैप्टर 59 प्रेडिक्शंस। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि कोड एंड एडा टीम प्रिपेयर करेंगे उन्हों हमें अटैक करने के लिए, क्योंकि चैप्टर 57 में कोड एंड एडा की सिर्फ कॉन्वर्सेशन हुई थी एडा के बारे में, ना कि द अटैक जो कि वो कोनो हमें करने वाले हैं। तो चैप्टर 59 पूरी इसी पर बेस्ड हो सकती है कि कैसे कोड एडा और बाकी कार मेंबर्स को रेडी करेगा कोनो हमें अटैक करने के लिए। और ये थ्योरी इतनी ज्यादा सेंस इसीलिए बनाती है क्योंकि हो सकता है चैप्टर 60 में ये लोग अटैक कर दे और इसी के बाद हमें डायरेक्ट टाइम स्किप दिखाया जाए, और अगर ऐसा हो तो ये एक बेस्ट टाइम स्किप पीरियड होगा। अपने बहुत सारे पावर्स खो दिए हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। हो सकता है नारुतोज न्यू पावर या फिर कावा की न्यू पावर, और अगर नारुतो को कोई नया पावर मिलता है तभी तो मजा आएगा। तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी यही खत्म हो जाती है। हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी है ब्याकुगन पिल्स साइड इफेक्ट। चैप्टर 58 में हमें दिखाया गया था बोल्टो बिना कुछ समझे और बिना कुछ सुने ब्याकुगन पिल्स ले लेता है, तो इसके 50-50 चांसेस बन जाते हैं। हमें चैप्टर 59 में ये दिखाया जाए कि बोल्टो पर उन पिल्स का क्या असर हुआ है या फिर उसे कुछ पावर्स मिल जाए। एंड अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी बोरुटो भी युगा क्लैन का ही एक डिसेंडेंट है, तो ये भी हो सकता है कि ये ब्याकुगन पिल्स बोरुटो के जोगान पर अफेक्ट करें, या फिर ये हो सकता है कि इन पिल्स के कारण बोरुटो का राइट आई लॉस्ट हो जाए। ये मैं इतने दावे से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बोरुटो वर्सेस कावाकी का ट्रेलर आया था जिसमें उनकी एज थोड़ी ज्यादा है, तो उसमें हमने देखा था बोरुटो अपना जोगान अपने विल से एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करने से पहले उसकी आंखें ग्रे कलर की होती है बट बोरुटो की आंखें तो ब्लू हैं। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि बोरुटो का राइट आई लॉस्ट हो गया हो बिकॉज ऑफ द ब्याकुगन पिल्स। तो यही हमारी सेकंड थ्योरी भी खत्म हो जाती है। तो हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि कावाकी विल गेट द कार्मा बैक। बोर्डो वर्सेस कावाकी के ट्रेलर में हमें दिखाया गया था कि कावाकी के पास अब भी कार्मा है, तो ये हो सकता है कि कावाकी कैसे कावाकी अपना कार्मा वापस ले। ये थ्योरी इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोड का व्हाइट कार्मा कावाकी के हैंड के साथ रेजोनेट करे जिसके वजह से कोड के हाथ से व्हाइट कार्मा चला जाए बट कावाकी के हाथ में रियल कार्मा आ जाए। ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा ही क्रिएटिव है, इसलिए मैं इस टॉपिक को हो सकता है फ्यूचर के वीडियो में कवर कर दूं। तो गाइज यही थे हमारे प्रेडिक्शंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर